हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये जो काले वाले बैंगन होते हैं ना, मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मसालेदार होती है, बहुत चटपटी सी लगती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ली हूँ, 3 मीडियम साइज़ के कांदे और 2 टमाटर। अब मैंने आलूओं को जो है ना, वो गोल गोल इस तरीके से कट कर ली हूँ। ना हमें ज़्यादा पतला चाहिए ना ज़्यादा मोटा, आप अपने हिसाब से भी कट कर सकते हो। और ये काले बैंगन है ना, तो ये मैंने बहुत बड़े साइज के नहीं लिए थे, छोटे छोटे साइज के थे, आप अपने हिसाब से इसे भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले जो बैंगन है उसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो ये जो है ना, फ्राई करने के बाद ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं और हमें इसे ज़्यादा ना पकाना नहीं पड़ता है। तो इसे बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, एकदम गलाना नहीं है, क्योंकि फिर हमें बैंगनों को मसालों के साथ भी थोड़ा सा भूनना रहता है। तो यहाँ पर जो सारे बैंगन है ना, उसे आप अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो थोड़े ही टाइम में, 2 से 5 मिनट में ना, ये बैंगन जो है ना, वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंगन जो है वो अच्छे से जो फ्राई हो गए हैं, और इसी में ये थोड़े बहुत पक भी जाते हैं। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना जब आप इसे मसालों में मिक्स करोगे ना तो ये टूट जाएगा। जो है ना, वो अलग से बाउल में निकाल के रख लीजिए, और उसी तेल में अब हम आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। तो आलू भी जब हम फ्राई करते हैं तो हमें इसे पूरा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं फ्राई करना है। हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा टेक्स्चर जैसे आपको दिखने लगे ना, तब आप इसे निकाल लीजिएगा। और इसे फ्राई करके डालने से इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ये भी जो है वो थोड़ा सा पक जाता है, तो हमें सब्ज़ी को पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो देखिए, हमारे आलू जो है वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसे निकाल करके साइड में रख लेंगे और फिर हमारी सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली हूँ, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड की हूँ। और यहाँ पर आप चाहो तो गरम मसाला स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने थोड़े से जो है ना, वो अक्के गरम मसाले ऐड की, छोटी सी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 2 तेज़पत्ता। आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो अब ये जैसे ही थोड़ा सा ना इसमें खुशबू आने लगे, तब इसमें मैंने जो 3 मीडियम साइज़ के कांदे ली थी उसे अच्छे से मैंने चॉप कर ली, उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अब हम इसे हल्का सा जो है ना, वो ब्राउन कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन मीन्स हमें इसे जो है ना ट्रांसलूसेंट करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है या बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, हल्का सा ये जो है वो ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें मैंने टमाटर ऐड की, और टमाटरों को भी ना मैंने चॉप कर ली थी, आप इसमें जो है वो मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हो। और अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 1 टीस्पून तीखा लाल वाला रेड चिली पाउडर ऐड की हूँ, और 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करो, और फिर इस मसालों को जो है ना, वो अच्छे से आप मिक्स कर लो। तो क्या होगा कि टमाटर के साथ साथ हमारे जो मसाले हैं वो पक भी जाते हैं और अच्छे से भून भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मसालों को आप जितना अच्छा भूनते हो, तो चाहे आप कोई भी चीज़ बनाओ, वो बहुत अच्छी बनती है। तो अब टमाटरों के साथ हम इसे भी पकने के लिए रख देंगे। ऐसे ही भून लीजिए, और 2 मिनट बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर देखिए, इसमें और अच्छा जो है ना, वो कलर आएगा, और जो है ऑयल और अच्छे से देखिए यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो अब इस एंड पर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें बैंगन को गलाना नहीं है ना आलू को गलाना है। बस पानी ऐड करने से क्या होता है ना, कि मसाले जो है वो और अच्छे से पकते हैं, और उसका थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बन जाता है। तो जब ये मसाले और अच्छे से पक जाते हैं और अच्छे से ऑयल सेपरेट होता है, तब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू के साथ 2 मिनट हमें इसे भूनना है, क्योंकि आलू आपको पता है ना कि ऑलरेडी गले हुए हैं। तो आलू को भूनने के बाद मैंने इसमें 2 हरी मिर्च ऐड की, और जो हमारे फ्राई किए हुए बैंगन है वो भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसे मिक्स करना है, बट हाँ, आप इसे जो है ना, वो हल्के हाथों से मिक्स कीजिए, क्योंकि बैंगन जो होता है ना, वो ऑलरेडी पका हुआ होता है, तो ये जो है टूट भी सकता है। तो आप इसे जो है वो हल्के हाथों से ही मिक्स कीजिए। अब मिक्स करने के बाद 2 मिनट आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए, और फिर लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा धनिया, और यहाँ पर मैं ना भुनी हुई सेंग का पाउडर ऐड कर रही हूँ। मतलब मैंने ज़्यादा बारीक नहीं पीसी थी इसे, सिर्फ दरदरा सा मैंने
कूट ली थी और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ऑप्शनल भी का है, आप यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हो। पीसी थी तो ये आपके ऊपर है टोटली। अब अगर आप लास्ट में जो है वो ऐड पाउडर है ये ऐड कर दो ना, फिर आप उसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए के साथ। तो फ्रेंड्स जो सेम बस आप उसे ऐड कीजिए और फिर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, और फिर हमारी लास्ट में ऐड कीजिएगा बनके तैयार है। तो यहाँ पर आप सर्विंग बाउल में उसे सर्व कीजिए, रोटी पराठा या फिर राइस के साथ में खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा ऊपर भी मैंने ना ये मूंगफली का पाउडर ऐसे गार्निश कर ली, क्योंकि इसका ना ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है खाने में। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको और कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बस मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।